गाइस, मेरी सारी जो मैंने एसएम वीडियो से सामान लाया था सारा निकाल गया है। तो मैं इंस्पेक्शन कर रही हूँ ना आपके बैग की। इंस्पेक्शन करके क्या करेगी? मेरा सामान है कि कुछ गलत तो नहीं तो इस्तेमाल कर रही। गलत क्या हुई? वो कर रही हूँ क्या इधर तस्करी? सेफ्टी पिंस भी चाहिए थी। शाबाश। सारा सामान निकाल गया मेरा। ये लगा 15 अगस्त पे। दीदी उठ गई हो क्या? सोई हुई दिख रही हूँ। हाँ छोटी सी। हाय ऐसे मुंह बनाती है गाइस। देखो क्या निकाल रही हो। दी पैर चाल सुना जद जद मैं तो बोलिया नहीं जांदा एक बार वे जदों अखियां दा नूर होवे सावे दुपट्टा सिरों लाईदा सिर में दानी वरगाए मेरा माही वे होर मैनू की चाहे। देख रही हूँ उसको सुबह सुबह लगी है मेरा सामान चोरी करने और गाने गाने। गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? वेलकम टू टुडेज व्लॉग। स्वागत है आपका। आज सुबह हुई है घर पे। अच्छा लग रहा है। और एक्चुअली मैं उठी थी पर ब्रेकफास्ट करके फिर सो गई, लेट गई थी। मेरा तो तबीयत ढीली है। मैं थोड़ा बैक में ना पेन रखा है, मेरे को लगता है वो 2-3 दिन से लगातार पैकिंग करती रही ना, उसकी वजह से पेन हो गया। ऐसे बड़ा अजीब सा पेन हो रहा है। तो अभी जस्ट उठी हूँ, टाइम हो गया 12। यार बहुत लेट हो गया। तो अर्शी और मम्मा सुबह से कुछ ना कुछ काम लगे हुए हैं। हमें कुछ इंपॉर्टेंट सामान लेने जाना है बाहर, अपना घर वाला ग्रोसरी। और मम्मा बोल रहे थे मैं और पापा रहते हैं। नहीं यार, अरे मैं अर्शी जाएंगे बड़े दिनों बाद, बाहर चक्कर मारते हैं यार, मन कर रहा है। अभी फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ मैं नहाई भी नहीं हूँ, नहा वहा लेती हूँ, थोड़ा रेडी हो जाती हूँ। तो मतलब थोड़ा अपना हुलिया ठीक कर लेती हूँ, तो उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हेलो, क्या हाल है? ठीक है। कहाँ घूम हुआ? भूख लगी है, खाना खाने लगे। गाइस तो मैं आ गई नहा धो के एकदम फ्रेश होके। लग नहीं रही हूँ वैसे क्योंकि नहाई हूँ, कपड़े चेंज किए बस। तो अभी यार भूख लगी है सच में, 1:30 बज गया है, टाइम का पता ही नहीं चला। 12 तो उठते उठते हो गए मेरे को। तो मेरे और अर्शी कहीं जाएंगे, घूमेंगे थोड़ा सा। अभी वो नहाने गई है, सभी का एक एक बार नंबर करके आ रहा है। लंच देखते हैं क्या बनाया मम्मा ने। बड़ी देर बाद घर का दो बार नहाया आज। दो बार नहा लिया, काम था थोड़ा सफाई वगैरह। ये क्या हो गया? लाइट क्यों नहीं ऑन हो रही? ये क्या हो गया? ऊपर वाली लाइट क्यों नहीं ऑन हो रही? सर्कल नंबर पर यार मेरे घर की लाइट कौन सी ऑन? अरे मुझे यहाँ से दिख रही ना रहा, ये ऑफ है कि ऑन है? सो गाइस वी आर डन विद द लंच। और अर्शी दीदी इधर नहा के आई है। कैसा लग रहा है? अच्छा प्यारा लग रहा है इसको। अब क्या करना है? टाइम हो गया 3। एक घंटा लेटेंगे। एक घंटा बोल रही है लेटेगी? फिर थोड़ा बाहर जाना सामान वगैरह लेने। बाहर सामान लेने जाना है? आज स्कूटी पे जाएंगे बड़े के बाद, है ना? तो मैं थोड़ा सा लैपटॉप ओपन करके बैठी थी, हल्का सा काम था। नहीं अपडेट लगाया, वैसे हैंग कर रहा था बड़ा, तो अपडेट लगा दिया था। दीदी उठो ना, खेलने का ना मची। बोला ना यार, किसने बोला काना मची? गेम खेलो, वो क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या, थोड़ा सा एलेबोरेट करो। ईयर ट्विस्टिंग बार बार लिखा हुआ था, वो तो हम ऐसे ही एक दूसरे के कान खींचते रहते हैं। मतलब उसमें मेरे ख्याल से ये है कि कुछ गैस करना है, कुछ जो गलत गैस करेगा उसका कान ट्विस्ट करना है। वो तो हम ऐसे कर देंगे बिना गैस किए, ये देखो। सो गाइज मैं और अर्शी गए थे, सो नहीं गए थे, लेटे हुए थे क्योंकि जाना था बाहर। ये देखो अपने लग रही है कारोबार करूँ तो है। तो अभी हम जा रहे हैं गांधीनगर, है ना? किस पर जा रहे हैं? ई रिक्शा पे। पहली बारी मुझे स्कूटी चलाने का मन नहीं हो रहा बिल्कुल भी, और थोड़ी सी हवा कम है उसकी। और पापा ने कहीं जाना है काम से, तो गाड़ी तो हम दोनों में से अभी किसी को उतने कॉन्फिडेंस से नहीं आती है, हमें कोई ठोक बोक देंगे। हमने सोचा ई रिक्शा पे चलते हैं, ई रिक्शा प्रेफर करते हैं, मेरे को मज़ा आता है यार ई रिक्शा पे जाने का। चलो फिर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या लेना है। अभी थोड़ा मौसम ठीक हो रहा है धीरे धीरे, धूप कम हो रही है। क्या धूप नहीं कम हो रही? धूप नहीं कम हो रही धीरे धीरे? एक मिनट, इस पूरी गली में तो छतरी के बिना चलेगी। नहीं मेरे को एलर्जी है ना, इसलिए मैं ले रही हूँ। कम हो रही है तो एलर्जी क्यों है फिर?
अब कहाँ काम हो रही है? अब हुई है ना काम, देख। जब तो मैंने प्रिडिक्शन की थी कि काम हो रही है धीरे धीरे, मैंने ये बताया था ना कि धीरे धीरे काम हो रही है। तू मार मेरी अक्कड़ यार। ऋषि कुछ ड्रेस ले देगी क्या? नहीं प्लीज। चल तू हारी थी, तू लेके रहेगी। चैलेंज नहीं, मैंने लेगी। सो गाइस हम निकल गए, मजा आ रहा है। कसम से लग रहा है मेट्रो वाली फील आ रही है, क्योंकि आवाज वैसी आ रही है। इलेक्ट्रिक मेट्रो कब लगेगी यहाँ पे? कभी नहीं लगेगी ऐसी, जब तक मोदी है कुछ कह नहीं सकते। अब ये इतने भर गए ना ऑटो, जगह जगह ऑटो, पहले तो मिलता ही नहीं था इधर कुछ। तो गाइस हम पहुंच गए हैं गांधीनगर। पहले हमें जाना है केआर, मोनिका भी जाना है यार। तो यार उसने हमें छोड़ा, पता नहीं कहीं कहाँ नहीं। सब अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है इधर, देखो सारे गेट तोड़ दिए पार्क के, फेंसिंग भी तोड़ दिया। तो उसने थोड़ा पीछे उतार दिया, तो हम फिर अब जा रहे हैं यहाँ से दयाल। कहाँ पे? 0 degrees। चले चलो, ले लिया। अब हम जा रहे हैं मोनिका, क्योंकि दयाल बेकर से हो गया काम। मोनिका से बड़ी चीजें लेने हैं यार। इमली यार ले ही नहीं रही, इमली नहीं लेनी है। गाइस देखो मेरे को क्या मिला। ऋतिक पे किया था प्रैंक याद है? अब जिस पे करें अच्छी ले लिए एक काम दी चीज ले जो दो चीज यार। ये आंटी करी है स्पाइसी नूडल चैलेंज करेंगे। हां ले, क्या क्या लोगी अभी इतना सारा। गाइस मुझे लेके ही नहीं दे रही है कुछ, बोलती है नकली बाल ले जल्दी कर। और भी ले ले कोई, फ्रेंच फ्राइज मत लेना, ये मसाला फ्राइज। जूस में क्या ले? और ये घर से स्लिप लेके आई है लिख के। हर्षी क्या लेगी इतनी टोकरी? तो तूने भर दी है। मैं कुछ भी अपनी माँ की सलाह के बिना नहीं दे रही। चल इधर से। तो गाइज शॉपिंग वॉपिंग कर ली है, अब बस पहलवान जाना है। यहाँ खाते हैं, ट्राई करते हैं, नया खुला है ज़रा। अर्शी अर्शी। तो गाइज हम यहाँ आए थे एंड इसका एम्बियंस तो बड़ा सही है, इन्होंने अच्छे से बड़ा अच्छे से डेकोरेट किया है सब, अब खा के देखेंगे। सो गाइज यहाँ पे ऐसा कुछ व्यू इन्होंने डेकोरेटिव बनाया हुआ है। अर्शिन कैसा है? अच्छा है, है? ये भी काफी अच्छे हैं। और ओरियो शेक है, चॉकलेट शेक है, काफी अच्छे लगे। अच्छी क्या हुआ, खत्म ही नहीं हो रहा। प्राइस भी इतनी क्वांटिटी है यार। गाइज अब हम निकल गए उधर से, रिव्यूज आपको घर जाके बताएंगे उसके। उनके सामने हमने कुछ रिव्यूज नहीं दिए, घर जाके बताते हैं आपको। इंडिया की मिठाई गाइज ले लिया सामान। तो गाइज अभी हम निकल रहे हैं वापस घर के लिए, सामान ले लिया। और 7 बजे इस टाइम मौसम, मतलब धूप हट ही जाएगी इस टाइम, पर मौसम ठीक हो गया इस टाइम। सो गाइज हम आ गए थे घर, तो मैं एक सॉन्ग थोड़ा अकॉर्ड्स निकाल रही थी, सोच रही हूँ अभी यार म्यूजिक चैनल को 2 हफ्ते हो गए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि थोड़ा बिजी चल रहा था। मैं मम्मा पापा जा रहे हैं एक्चुअली, फुफ्फड़ जी का वो आई का बताया था ना ऑपरेशन हुआ, तो उनका पता करने जा रहे हैं, तो वो थोड़ी देर तक आएंगे, उसके बाद डिनर करेंगी। तो मैं सोच रही हूँ रिकॉर्ड कर लूँ वीडियो, देखते हैं निकले कि नहीं। निकल गए हैं, चलो।
सो गाइज हमने कर लिया डिनर, आज था चिकन। और आज मेरी तबीयत अब ठीक है क्योंकि सुबह मेरे को ढीला लग रहा था बड़ा, आपको बताया था 12 बजे ही सुबह हुई थी मेरी, पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं। तब मैं इधर बैठी हुई थी, अब मेरे को एडिटिंग करनी है व्लॉग की, थोड़ी बहुत जितना बना उतना एडिट करती हूँ। अब मैं दूसरे रूम में बैठी हूँ, अर्शी दूसरे रूम में है, फिर देखेंगे जाके क्या कर रही है। दीदी क्या कर रही थी तब से? पानी भर रही थी। तुम से पानी भर रही हो? तुम कैसी बात कर रही हो बेवकूफ वाली? अभी आई हूँ भर के। खाना खाया था? स्किन वॉश की, फेस वॉश किया, मैंने आज स्किन नहीं वॉश की है। फेस मैंने फेस नहीं वॉश किया, कंपल्सरी है। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? स्किन। मुझे पता था तूने चीटिंग की है। मैंने चीटिंग कहाँ से की है? गाइस को भी पता है सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा बॉडी का? नहीं 90% लोगों को नहीं पता यार, स्किन सारी जगह जा रही है मेरी। वो स्किन को एज अ टिश्यू कंसीडर करते हैं। गाइस सुन लो, मुक्का पड़ेगा अगर टिश्यू कंसीडर किया तो। सो गाइस तब हमसे की बोल रही हूँ हम तब से ऐसे बैठे हुए थे, गप्पे शप्पे मारे थे। तो आपको बोला था ना 0 degrees गए थे हम, एक्चुअली अचानक ही गांधीनगर में दिख गया नया खुला, तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं ऐसे, हम ग्रिलिंग वगैरह जाते हैं तो यहाँ पे ट्राई मारते हैं। तो बेसिकली हमने वो फ्राइज और इसने लाइम सोडा और मैंने वो मंगाया था, क्या मंगाया था मैंने? हमने मंगाए थे तंदूरी और फ्राइज, उसमें वो एडिशनल सॉसेज ऐड करके देते हैं 2-3 types की, और मेरा फ्रेश लाइम सोडा था और इसका चॉकलेट शेक था। तो क्वालिटी बहुत अच्छी थी, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी, क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत अच्छी थी, बट बिट एक्सपेंसिव था, मतलब ओवर प्राइज्ड अकॉर्डिंगली। जैसे फ्राइज नॉर्मली मतलब कि जो टेस्ट था वैसा वैसे हर जगह पे मिल जाती है, बट उसका प्राइस काफी ज्यादा। चाय सूटा बार के तो मुझे उससे ज्यादा अच्छी लगी, मैं सही बताऊं। नहीं सही विच नहीं सन, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि कॉस्टली है तो ये है ये, तो वो बात नहीं बोल रही हूँ मैं। रिव्यू करके हम ये बता रहे हैं कि अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन जो हमें लगा अच्छी थी, टेस्ट अच्छा था। लेकिन एक चीज और है कि अकेला बंदा जाएगा तो उसको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो फ्राइज की क्वांटिटी थी है ना, वो 2 बंदे ही खत्म कर पाएंगे, एक बंदा खत्म नहीं कर सकता। तो वहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप हाफ मंगाओ, है ना, तो वो ऑप्शन उनको इंक्लूड करना चाहिए कि आप हाफ ले सको अगर आप अकेले जा रहे हो। बंदा फिर वहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी ना खाने की, कि इतने बड़े फ्राइज खाएगा कैसे अकेले, सबसे बड़ी बात वो है। चलो ड्रिंक तो बंदा पी लेता है, बाकी तो अच्छा था, क्वालिटी और टेस्ट वाइज तो काफ़ी अच्छा था, अच्छा लगा। बट वही था कि हमें, हमारा फ़र्ज है जो हमने फील किया आपको बताना, तो हम बता रहे हैं। तो गाइस ऐसा ही रहा आज का दिन, तो अभी थक गए हैं बहुत ज़्यादा, नींद आ रही है, और अर्शी नींद आ रही है, अर्शी ने स्कूल उठ उठ गया, एक बड़ी थोड़ा सा बना लेते हैं। तो ऐसे ही लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहो यार, आप लोगों ने पिछले 2-3 ब्लॉग्स को इतना प्यार दिया ना, इतना ज़्यादा प्यार दिया, लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार। मैसेजेस भी कर रहे हो आप DM पे और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हो यार, स्टोरीज भी मैंने डाली हैं, एंड आप जो भी अच्छे अच्छे कमेंट करेगा वहाँ पे इंस्टा पे मैं स्टोरीज जरूर चढ़ाया करूँगी, और मैंने हाईलाइट पे भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, बाय, टेक केयर।